दोस्तों, अगर आप SBI के क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं तो आपके लिए बैड न्यूज़ हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली SBI ने अपने क्रेडिट कार्ड में डिवेल्यूशन किया है। और ये ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड पे डिवेल्यूशन हुआ है, ये SBI के लगभग सभी क्रेडिट कार्ड पे डिवेल्यूशन किया गया है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। चाहे वो एंट्री लेवल के क्रेडिट कार्ड हो या फिर प्रीमियम लेवल के क्रेडिट कार्ड हो, सभी क्रेडिट कार्ड पर ये इफ़ेक्ट होगा। आपको पता ही है कि जब एक बैंक अपने क्रेडिट कार्ड में डिवेल्यूशन लाता है तो उसके देखा देखी सभी बैंक अपने क्रेडिट कार्ड में डिवेल्यूशन लाने लगते हैं, और रिसेंटली सभी बैंक ने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की है। बट बाकी के कंपैरिजन में SBI क्रेडिट कार्ड का डिवेल्यूशन लेस है, यानी कि बहुत ना के बराबर है और छोटा सा डिवेल्यूशन है। और जो बहुत लोग इसको यूज़ भी करते होंगे या इस फैसिलिटी को यूज़ भी करते होंगे, नहीं भी यूज़ करते होंगे, जो यूज़ करते थे उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कौन सा है वो डिवेल्यूशन प्रोसेस और किन किन क्रेडिट कार्ड पे ये चीज़ लागू हुई है। तो यहाँ पर 1 अप्रैल से कुछ क्रेडिट कार्ड पे 1 अप्रैल से और कुछ क्रेडिट कार्ड पे 15 अप्रैल से, जो लोग रेंट पेमेंट करते थे क्रेडिट कार्ड से, चाहे वो रियल में रेंट पेमेंट करते थे या फिर उसको कैश में कन्वर्ट करवाने के लिए रेंट पेमेंट का प्रोसेस अपनाते थे, तो उनको हर एक ट्रांजेक्शन्स पे रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाता था, स्पेशली रेंट पेमेंट पे। तो अब ये रेंट पेमेंट पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा, जैसा कि मैंने बताया कुछ क्रेडिट कार्ड पे 1 अप्रैल से बंद कर दिया जाएगा और कुछ क्रेडिट कार्ड्स पे 15 अप्रैल से इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से क्रेडिट कार्ड पे ये लागू होगा। तो यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड की लिस्ट दिख रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें से अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो इन क्रेडिट कार्ड पे ये डिवेल्यूशन लागू होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपको एक हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाया होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसा ही कॉन्टेंट देखने के लिए फाइनेंशियल राज को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।